सर्व देश और प्रदेश में लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों से अब लोगों के जीवन से जुड़ी खाद्य वस्तुओं पर भी इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां कोरोना काल के बाद खाद्य वस्तुओं के दामों ने आसमान की ऊंचाइयों को छुआ है, वहीं यह नज़ारा एक बार फिर आम जनता को देखने को मिल रहा है। लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के चलते जहां माल लाने ले जाने के लिए ट्रकों और अन्य संसाधनों का माल भाड़ा बढ़ा है, वहीं इसका असर अब मंडी में बिकने वाली हरी सब्जियों पर भी देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं, जिसके चलते आम लोगों की रसोई का बजट पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। आलम यह है कि आम दिनों में 20 से 25 रुपए किलो में बिकने वाली सब्जियां अब होलसेल हाव में ही 60 से 70 रुपए किलो में बिक रही है। तो आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सब्जियां आपके गली मोहल्लों में रिटेल में किस भाव से बिक रही होंगी। लगातार सब्जियों के बढ़ते दामों को लेकर जब पलपल राजस्थान ने सवीना स्थित शहर की सबसे बड़ी मंडी का रुख किया और लगातार सब्जियों के भाव बढ़ने का पता लगाने का प्रयास किया, तो सब्जियों के भाव सुनकर हमारे होश ही उड़ गए। सब्जियों के भाव इस कदर आसमान छू रहे हैं कि सब्जी मंडी से मानो नींबू तो लापता ही हो गया है। वर्तमान में नींबू का भाव 250 से 300 रुपए किलो तक पहुंच गया है, जो आम आदमी की पहुंच से काफी दूर चला गया है। आइए हम आपको भी दिखाते हैं कि शहर की सबसे बड़ी सब्जी के हाल और यहाँ बिक रही सब्जियों के भाव। इस पर सब्जी मंडी के अध्यक्ष से बातचीत में क्या कुछ कहा, क्यों बढ़े सब्जियों के दाम? सब्जियों के दाम इस समय गर्मियों में, एक तो मौसम चक्र का परिवर्तन, दूसरा मेन कारण है डीजल पेट्रोल की कीमतें भी जो आए दिन बढ़े जा रही है, उसका भी काफ़ी इफेक्ट हुआ है। इवन इस बार तो अपने बिल्कुल हाइक पे जो चल रहे हैं, स्पेशली अगर नींबू को देखा जाए तो 250 से 300 रुपए किलो अभी नींबू के भाव चल रहे हैं, जो आज तक कभी भी नहीं हुए हैं। दो तीन महीने पहले भी, पूर्व में भी जो बारिशें पड़ी थी, बेमौसम बारिशें पड़ी थी, फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ उससे। वर्तमान में कोई भी सब्जी, अच्छी सब्जी 60-70 रुपए किलो से सेमी होलसेल में कोई भी सब्जी इससे कम नहीं है, और सब्जियों के दाम 15-20 दिन तक तो कम से कम लग रहा है कि यही चलेगा, जब तक नई फसलें अच्छी तादाद में ना आ जाएं। जी तो सुना आपने कि मंडी में आखिर फल और सब्जियों के दाम आसमान क्यों छू रहे हैं। आइए अब हम आपको मंडी में सब्जियां खरीदने आई एक महिला की जुबानी भी सुनवाते हैं कि सब्जियों के बढ़ते दामों के बाद उनके क्या हाल हो गए। और बहुत ज्यादा महंगारत हो गई है मार्केट में, 400 रुपए किलो नींबू हो गया, हर सब्जी आलू प्याज सारी चीज़ें इतनी महंगी, क्या खाएं क्या बचाएं। इसके अलावा राशन हम खरीद नहीं सकते, इतनी महंगारत हो गई है। और रोज रूटीन है सब्जी खरीदने का, मगर पिछले कितने दिनों से ये देख रहे हैं कि सब्जी दुगने दामों में मिल रही है। वो पूरे रसोई का बजट, जैसे सिलेंडर भी महंगा हो गया है, पेट्रोल भी महंगा, डीजल भी महंगा, सब्जियां भी महंगी, तो कोई भी चीज़ नहीं छूटी। और जो पिछले साल में जो तेल का डिब्बा था वो 1500-1600 था, वो अब 2500 रुपये से ऊपर का चला गया। मतलब सब्जी तो शुरुआत है रसोई की, बाकी उसे देखो तो सारी चीज़ें महंगी है बाजार में। हाँ सब चीज़ें। मतलब मनोज यहाँ सब्जियाँ खरीदने प्रतिदिन आते हैं, लेकिन वर्तमान में सब्जियों के बड़े दामों के बाद उनके मुताबिक उनका बजट ही पूरी तरह से बिगड़ चुका है, जिसके चलते वह यह तय नहीं कर पाते हैं कि वह कौन सी सब्जी खरीदे और कौन सी नहीं। अब हम आपको एक महिला से मिलवाते हैं जिनका नाम हुसैना है और वह खुद सब्जी विक्रेता है, लेकिन वह खुद भी सब्जियों के इस समय बड़े दामों से हैरान है। सब्जियों के भाव भी बहुत तेज है। मतलब कैसे तेज है, कैसे क्या है? सब्जियां भी, नींबू तो 300-250 रुपए किलो बता रहे हैं, और मिर्ची ये 20 रुपए पाव, 100 रुपए किलो, ये भाव है बहुत महंगा है। जिसे देखो वह सब्जी के बड़े दामों के बाद हैरान है और परेशान लग रहा है कि आखिर इतनी महंगाई में वह अपना गुजर बसर कैसे करे और कैसे अपने बच्चों की पसंद की सब्जियां उन्हें खिलाएं। इस महंगाई ने तो मानो सभी की कमर ही तोड़ रखी है। अगर हम ये कहें कि इस लगातार बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर ही तोड़ रखी है,
तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सब्जी सारी सब्जी महंगी हो गया, नींबू तरोई भिंडी हर सब्जी, नींबू 300 रुपए किलो, तो हम लेके क्या खाएं, क्या बचा घर में, बच्चों कैसे खिला, कैसे खिलाऊं।